कुमार, नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं, ये हमारे नेता और देश के गृह मंत्री दो बार कह चुके हैं ना, एक बार पूर्णिया में और एक बार पटना में कहे। हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी बोल चुके हैं दरभंगा में, तो वो चैप्टर क्लोज है। अब जहां तक मुझे आप ये बताइए कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो आपको मुख्यमंत्री से बात करना पड़ता है, तो उसके लिए बात हुई थी, तो एक संवैधानिक औपचारिकता है, बस आप निश्चिंत रहिए। बिहार में भ्रष्टाचार नहीं है, हैं? बिहार में भ्रष्टाचार है, कई विभाग में है। हाँ है ना, उसकी तो ईडी और सीबीआई यहाँ आती है, वो भी लड़ाई चलेगी ना, चलेगी एकदम करिए। अभी 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 तो ये चल रहा है ना, चलिए आप 24 के बाद चलिए देखिए वो भी होगा। और बताइए और कोई सवाल है? सुशासन बाबू है ना, दावा करते हैं तो याद करिए कि 17 में जब उन्होंने तेजस्वी यादव से अपने को अलग किया था तो क्या कहा था? आइए बैठिए, बैठे उनको बैठाइए, बैठाइए, आइए बैठिए, खुश रहिए, खुश रहिए। हमेशा फाइल कर दिया, क्या कहा था? यही ना कहा था कि इसका जवाब नहीं मिल रहा है, याद है आपको? नीतीश बाबू भी जवाब मिल गया क्या? मेरा स्पष्ट आरोप है कुर्सी के लिए नीतीश कुमार जी ने पूरा समझौता किया है भ्रष्टाचार के साथ, और ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाने का पब्लिक घोषणा करते हैं और अपने प्रधानमंत्री का दावा करते हैं बनने का ख्वाब है। ये देश इन भ्रष्ट लोगों के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। इन बिहार की जनता नीतीश कुमार से जवाब जरूर मांगेगी, सुशासन बाबू आपका सुशासन गया का। अब मैं गया में हूं तो मनीष सिसोदिया के बारे में ज्यादा क्या बोलूं, दिल्ली में तो बोलता रहता हूं, बस एक ही बात आपसे कहूंगा कि पहली बार देश ने देखा एक मंत्री जो शिक्षा मंत्री वो शराब मंत्री भी है। और आप लोगों को जानकारी के लिए खाली बहुत ब्रीफली मैं बता दूं, ये घोटाला है क्या? आपने अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑफिसर्स के अनुशंसा को इग्नोर कर करके ऐसी पॉलिसी बनाई जो दक्षिण भारत के शराब के बड़े व्यापारियों ने बनाई थी। और क्या था? कमीशन को 2% से उठा करके 12% कर दिया, शराब पीने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी, और कई और बदलाव किए गए। और बगल में जबरदस्त दक्षिण भारत से कमीशन भी आया, वो तो सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं, उसकी जांच हो रही है। तो जो अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के शिष्य सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे, उनको क्या हो गया है? इंक्वायरी फेस करें तो फिर वही कि मोदी जी प्रताड़ित कर रहे हैं। और खाली मैं आपको एक अंतिम बात कह दूं, ये जो पूरे एजेंसीज के बारे में आरोप लगते हैं, तो ये मेरा अंतिम टिप्पणी है, फिर जो आपके सवाल होंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। जितने लोगों के खिलाफ आरोप लगे वो जेल गए कि नहीं गए? जो हमारे एनसीपी के गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के देशमुख साहब, एक साल जेल में रहे कि नहीं लगे? जो 100 करोड़ रुपए वसूली करते थे, आरोप था। दूसरे जो एक नवाब मलिक थे, उन्होंने जो आतंकवादी सरगना थे उनकी बहन से जमीन खरीदी थी, वो जेल में बंद है कि नहीं? जो उनके उनके प्रवक्ता हैं शिवसेना के संजय राउत, वो जेल में गए कि नहीं 4 महीना? ये लोग कोई तो हाईकोर्ट में जाके क्वेश्चन, सबको कोर्ट ने बेल नहीं दिया। तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से आरोप लगते हैं, तो ये लोग कोर्ट जाएं कि हिम्मत है तो। लेकिन अगर आप जनता का पैसा लूटेंगे तो कार्रवाई होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी की सरकार है निश्चित हो। तो क्या इस लूट, अगर एक शब्द में और एक वाक्य में कहा जाए तो रेलवे मंत्री लालू प्रसाद रेलवे की संपत्ति परिवार के मुनाफा के लिए, यही तो कहानी। तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए?
ये इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई भाई, कोई सवाल नहीं करेगा क्या? दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में इतनी महंगी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? और देखिए मैं अपने वाले में बताया जा रहा है कि 4 लाख से। हाँ तो हो रहा ही है, अभी आता हूँ डिटेल दे। देखिए ये किसका है, ये तेजस्वी प्रसाद यादव का 2020 के विधानसभा चुनाव का नॉमिनेशन पेपर में आप जो एफिडेविट फाइल करते हैं ना, संपत्ति कितनी है, लोन कितना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है, मैं उसकी फोटो कॉपी इलेक्शन कमीशन के साइट पर है, आपको मिल सकती है। ये देखिए 2007-6-6-5 में कितनी संपत्ति खरीदा है, देखिए मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कहाँ से इतना पैसा आ गया भाई? तो आपको सवाल तो पूछेंगे ना, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप विधायक रहे हैं, पहले भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपको इतना आय से अधिक संपत्ति कहाँ से आ रही है? ये बात आपके सामने मैंने आज इसलिए उठाई है कि इन बातों का जवाब नहीं दिया जा रहा है, खाली तंग किया जा रहा है, मोदी जी विपक्षियों को तंग कर रहे हैं। लेकिन आपको चारा घोटाले में सजा क्यों हुई, अलकतरा घोटाले में सजा क्यों हुई, रेलवे की संपत्ति होटल की क्यों दी गई, आपको पटना में 3.5 एकड़ का महंगा प्लॉट कैसे मिल गया, उस पर 650 करोड़ का कैसे बन रहा है मॉल, 5-6 लाख में खरीदी गई जमीन संपत्ति दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में, दाम उसका 150 करोड़ कहाँ से आ गई? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना, तो इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। और देखिए मैं खाली तेजस्वी जी का दिखाया, ये देखिए ये मेरे पास उनके भाई का भी है, ये भी सब रिकॉर्ड पर है, ये देखिए सब 2005-6-7 में जमीन खरीदी गई है।